हम किसी भी समय गा सकते हैं, 24 घंटे हम हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर सकते हैं। यदि भगवान कृष्ण के लीलाओं के संबंध में हमें कुछ स्मरण है या कोई भजन हमें स्मरण है, अनेक वैष्णव आचार्यों ने कितने भजन लिखे हैं, भगवान की लीलाओं के संबंध में कितने भजन लिखे गए, उसको भी हम गा सकते हैं वैष्णव आचार्यों के भजन को। अन्यथा हम हरे कृष्ण महामंत्र गा सकते हैं हर समय, चाहे कुछ कार्य करते रहें, घर का कार्य करते रहिए कोई बात नहीं, किंतु हाथ में काम करते रहिए और मुख से भगवान का नाम लेते रहिए। ये कृष्ण चेतना में रहने का सबसे बलिष्ठ माध्यम है। तो ब्रज की गोपियाँ, ब्रजवासी स्त्रियाँ यही करती थी, दधि मंथन करती थी प्रातः काल में, और प्रातः काल कृष्ण स्मरण के लिए बहुत उपयुक्त काल। प्रातः काल सोने के लिए नहीं है, आजकल लोग सोते हैं लेट में और उठते हैं लेट, सोते हैं 12-1 बजे, उठते हैं 9-10 बजे, तो प्रातः काल कब आता है उनको पता नहीं चलता। प्रातः काल ये बहुत आवश्यक है हमारी चेतना को शुद्ध रखने के लिए। जिस समय हमें उठने का समय है और कृष्ण स्मरण का समय है, उस समय यदि हम सोते रहेंगे तो हम तमोगुण के प्रभाव में आ जाएंगे, और तमोगुण के प्रभाव से हमारे दुख में केवल बुद्धि होगी, हम सुख को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए आवश्यक है, भगवान कृष्ण जब ये मनुष्य लीला कर रहे थे, फिर भी जब भगवान कृष्ण गृहस्थ थे, द्वारका में रहते थे, तो सूर्योदय से पहले 1.5 घंटे पहले जो ब्रह्म मुहूर्त जिसको कहा जाता है, भगवान कृष्ण स्वयं उठ जाते थे। और स्वयं उठकर क्या करते थे, क्योंकि उठकर के तुरंत भगवान का स्मरण करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर व्यक्ति को तुरंत भगवान का कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। और जब भगवान कृष्ण उठ जाते थे ब्रह्म मुहूर्त में, वो किसका स्मरण करते थे, वो अपना स्मरण करते थे, क्योंकि वो स्वयं भगवान है और किसका स्मरण करेंगे, अपना स्मरण करते थे। और ये करके भगवान श्री कृष्ण सारे मानव समाज को ये शिक्षा दे रहे हैं कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर क्या करना चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त भगवान कृष्ण के स्मरण के लिए सर्वथा उपयुक्त काल है, समय है। तो ये ब्रजवासी स्त्रियाँ ये प्रातः काल उठकर, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर वे भी कृष्ण का स्मरण करती थी, इधर दधि मंथन का कार्य करती थी और भगवान कृष्ण का स्मरण करती थी। किस प्रकार, भगवान कृष्ण की लीलाओं के संबंध में गीत गाकर। तो ये गीत भगवान कृष्ण ने जो जो लीलाएं की थी ब्रज में, या तो ये गोपियां स्वयं ये गीत रचना कर लेती थी या किसी के द्वारा रचना करवाती थी। जैसे बहुत सारे कवि होते हैं, उनको कोई प्रसंग दे दीजिए तुरंत वो गीत लिख देंगे। जैसे फिल्म में होता है, कोई प्रसंग दे दिया और फिल्म गाना लिख देते हैं तुरंत। और ऐसे बहुत सारे कवि हैं, केवल फिल्म गाना नहीं, ऐसे भजन लिखते हैं, कई तरह के गीत लिखते हैं। तो कवि लिख सकता है, नहीं तो ये स्त्रियाँ स्वयं भी भगवान कृष्ण की लीलाओं को लेकर गीत रचना करती थी और गाती थी। तो माता यशोदा जब दधि मंथन करती थी, तो उस समय अपने लाला, अपने पुत्र की लीलाओं के संबंध में स्वयं गाती थी और इस प्रकार कृष्ण का स्मरण करती थी। तो उस समय कृष्ण क्या करते थे, तो भगवान कृष्ण सोए हुए रहते थे, बच्चे थे, 3 साल के बच्चे हैं,
बालक का अभिनय कर रहे हैं। यद्यपि भगवान 3 साल के बच्चे का अभिनय कर रहे हैं, फिर भी वो परम पुरुष भगवान है। ये नहीं सोचना चाहिए कि वो 3 साल के बच्चे ही हैं, किंतु अभिनय कर रहे हैं और बहुत सुंदर अभिनय कर रहे हैं। 3 साल के बच्चे का अभिनय ऐसा कोई नहीं कर सकता, इसलिए उनको नटवर कहा गया है, नट श्रेष्ठ, अभिनय करने में प्रवीण है। और भगवान कृष्ण जब 6 दिन के शिशु थे, 6 दिन की शिशु की अवस्था में उन्होंने पृतना रक्षी का वध किया था, आप लोग जानते हैं। उस समय भगवान 6 दिन के शिशु मात्र थे, पुतना रक्षी का वध किया। तो ऐसा कोई शिशु कर सकता है, साधारण शिशु? 6 दिन का शिशु कर नहीं सकता, किंतु भगवान ने किया था। तो ये जो लीला घटित हुई थी, दामोदर लीला, उस समय भगवान की आयु लगभग 3 साल की थी, क्योंकि उसके इस लीला के पश्चात भगवान श्री कृष्ण गोकुल छोड़कर वृंदावन चले आए। तो माता यशोदा इधर दधि मंथन करती थी और कृष्ण की लीला, तब तक कई लीलाएं हो चुकी थी वृंदावन में। भगवान कृष्ण ने पुतना का वध किया था, शकटासुर का वध किया था, तृणावर्त का वध किया था, ये सब कई लीलाएं हो चुकी थी। तो उन लीलाओं के संबंध में ये गा रहे थे, माता यशोदा गा रही थी और इस प्रकार कृष्ण का स्मरण कर रही थी। यानी यानी ही गीतानि तद बाल चरितानि च। तो बाल चरित, भगवान कृष्ण के बाल चरित के संबंध में, बाल लीलाओं के संबंध में ये गीत रचना करके वो गा रही थी। दधि निर्मंथने काले स्मरंती तान अनुगायत। तो इस प्रकार माता यशोदा कृष्ण का स्मरण करती रहती थी और उनकी लीलाओं का गान करती रहती थी दधि मंथन के समय। तो इधर हाथ चलता था दधि मंथन में, दधि मंथन दंड को खींचने में रस्सी के सहारे, और मन था कृष्ण के पास। तो उसी पर ये जीने की कला है, हमें सब सीखना चाहिए। कि कभी कभी लोग कहते हैं हम घर काम में इतना व्यस्त रहते हैं, स्वामी जी हमारे पास समय नहीं है, भगवान की भक्ति करने के लिए समय नहीं है, जप करने के लिए समय नहीं है, भगवान का स्मरण करने के लिए समय नहीं है। तो समय कैसे निकालना है हमें सीखना चाहिए, कि कैसे हम प्रातः काल हमें उठना चाहिए, जल्दी सोना और जल्दी उठना, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है और उससे चेतना भी उन्नत चेतना रहे, सत्व गुण में हम रहेंगे। और घर का काम करते हुए भी हम कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं, जैसे माता यशोदा कर रही, वो घर का काम कर रही है और कृष्ण का स्मरण भी साथ साथ चल रही, स्मरण भी चल रहा है। तो एक साथ हम घर का काम करते रहेंगे या ऑफिस में काम करते रहेंगे, मन कृष्ण में लग सकता है, ऐसा हो सकता है। इसलिए भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में कहा था अर्जुन से, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां अनुस्मर युद्ध। तो भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन तुम सदा सर्वदा मेरा ही स्मरण करो, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां अनुस्मर, यहाँ तक कि युद्ध में भी तुम मेरा स्मरण करो। तो आप लोग सोचेंगे कि अर्जुन युद्ध करेगा या कृष्ण का स्मरण करेगा, क्या करेगा? तो युद्ध करने वाला पहले तो अपने लक्ष्य को देखेगा, किस लक्ष्य को भेद करेगा बाण के द्वारा, अपने लक्ष्य को देखेगा या कृष्ण का स्मरण करेगा, क्या करेगा? किंतु भगवान कृष्ण कह रहे हैं
कि युद्ध के समय में भी मेरा स्मरण करो। तो अर्जुन कैसे करेंगे ये बात, भगवान के आदेश को कैसे पालन करेंगे? तो इस प्रकार अर्जुन अवश्य अपने लक्ष्य को देखेंगे, किसको भेद करना है, किससे बाण मारना है, किंतु ये सोचकर बाण मारेंगे कि मैं कृष्ण के आदेश से ये कार्य कर रहा हूँ, ये कृष्ण का ही काम कर रहा हूँ। इसका अर्थ है कि अर्जुन का युद्ध कृष्ण के प्रति समर्पित हो गया था, इसलिए वो कृष्ण कार्य बन गया। जब हम संसार में हैं जीवन धारण करने के लिए, अर्थ उपार्जन करने के लिए हमें तरह तरह के कार्य करने पड़ते हैं, किंतु जब हम उस कार्य को और उस कार्य के फल को कृष्ण को समर्पित कर दे, तब वो कार्य भी कृष्ण का ही कार्य बन जाएगा। तो ये कला हमें सीखनी चाहिए कि हम अपने कार्य को, अपने को, अपने परिवार को कैसे कृष्ण के चरणों में समर्पित कर सकते हैं। इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर गाते हैं, मानस देह गेह जाकिछु मोरो अर्पिलु त्वा पदे नंद किशोर। हे नंद नंदन श्री कृष्ण, मेरा जो कुछ भी है, मेरा मन, मेरा शरीर, मेरा घर परिवार, धन संपत्ति, जो कुछ भी है, ये सब आपके चरणों में मैं अर्पित कर रहा हूँ। ये मेरा कुछ नहीं है, ये सब आपका ही है। यही कृष्ण के प्रति समर्पण की भावना है कि हमारा शरीर कृष्ण का है, हमारा घर कृष्ण का है। हम सोचते हैं हम घर के मालिक हैं, किंतु जो समर्पित भक्त हैं वो सोचेगा हम घर के मालिक नहीं, कृष्ण हमारे घर के मालिक, हम उनके सेवक हैं, हमारा परिवार कृष्ण का ही सेवक है, इसलिए हमारा कार्य भी कृष्ण की सेवा हो जाए। ये कला हमें सीखनी चाहिए। तो यहाँ पर माता यशोदा दधि मंथन के समय भगवान कृष्ण के लिए दधि मंथन कर रही है, कृष्ण के लिए दधि मंथन कर रही है कि दधि मंथन से माखन निकलेगा, कृष्ण उसको खाकर आनंदित होंगे, और कृष्ण का स्मरण करती रहती है, कृष्ण का कार्य कर रही है और कृष्ण का स्मरण कर रही है। तो उस समय जब माता यशोदा दधि मंथन कर रही है, तो उस समय उनकी वेशभूषा किस प्रकार थी, इसका वर्णन श्री सुखदेव गोस्वामी करते हैं। इक्षमंग वास कि माता यशोदा का जो वस्त्र, जो साड़ी पहने हुए थी, रेशमी साड़ी पहने हुए थी माता यशोदा, और रेशमी साड़ी का वर्ण क्या था, क्षमंग, अर्थात ये कुछ पीला और केसरिया वर्ण ये युक्त था, पीला वस्त्र केसरिया वर्ण से युक्त था, इस प्रकार की साड़ी वो पहने हुए थे। और माता यशोदा का वर्ण क्या था, शरीर का वर्ण कोई जानते हैं? सभी लोग सोचते हैं कि माता यशोदा का शरीर का वर्ण गौर वर्ण है, सोचते हैं ऐसा ना, गौर वर्ण नहीं है, श्याम वर्ण है। माता यशोदा का, यशोदा के शरीर का वर्ण है श्याम वर्ण, कृष्ण के ही वर्ण, किंतु नंद महाराज के शरीर का वर्ण गौर वर्ण। तो भगवान श्री कृष्ण जैसे अपने शरीर में जो वस्त्र पहनते हैं, कैसा वस्त्र पहनते हैं, पीला वस्त्र, तो श्याम वर्ण शरीर को ये पीला रेशमी वस्त्र बहुत सुंदर लगता है, बहुत अच्छा मैचिंग है, श्याम वर्ण शरीर को पीला रेशमी वस्त्र।
तो उसी प्रकार माता यशोदा के शरीर श्याम वर्ण का है, तो इसलिए ये जो वस्त्र हैं पीला और केसरिया वर्ण का जो वस्त्र है ये बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था। और उसके साथ साथ पृथ्वी कटी तटे, पृथ्वी कटी तटे बिभ्रति सूत्र नाध्यम, और माता यशोदा के कटी प्रदेश जो है वो चौड़ा था, उसमें सूत्र नद्ध वो पहनी हुई थी, कमर की पेटी होती है, वस्त्र खुल जाए इसलिए वो पुराने जमाने में पेटी लगाते थे, इसको सूत्र नद्ध कहते हैं। और वो भी बहुत सुंदर लगता है वो सूत्र नद्ध जो है मेखला, ये भी बहुत सुंदर लगता है कटी मेखला। पुत्र स्नेहाश्रित कुछ जुगम, और माता यशोदा के जो स्तन थे ये पुत्र स्नेह से सदा सर्वदा सिक्त रहते थे, क्योंकि माता यशोदा सदा सर्वदा कृष्ण का ही स्मरण करती थी और कृष्ण के प्रति स्नेह के कारण उनके स्तन से हर समय ये दूध निर्गत होता रहता था, दूध निकलता रहता था, इसलिए स्तन द्वय ये सिक्त रहते थे। तो ये स्नेह के कारण ऐसा होता था। जैसे आप लोग जानते हैं कि जब दूध दोहने जाते हैं तो बछड़े को क्यों गया के पास लाया जाता है, पहले बछड़े को दूध बांध करके रखते हैं अलग, और जब दूध दोहने के समय बछड़े को छोड़ देते हैं और गया के पास आकर वो पीने लगता है, और थोड़ा सा पिया नहीं पिया उसको फिर बांध देते हैं गया के पैर में। ऐसा क्यों करते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि गया जब अपने बछड़े को देखेगी तो उसके हृदय में स्नेह उत्पन्न होगा, प्रेम उत्पन्न होगा बछड़े के प्रति, क्योंकि हर माता अपने पुत्र कन्याओं के प्रति स्नेहशीला है, स्नेह रखती है, ये स्वाभाविक है। इसलिए माता के स्नेह को सर्वोपरि बताया गया। पिता का भी स्नेह होता है किंतु माता के समान नहीं। इसलिए माता के स्नेह पुत्र कन्याओं के प्रति सर्वश्रेष्ठ स्नेह। जब कहीं उदाहरण दिया जाता है तो माता का ही उदाहरण दिया जाता है। आजकल कलयुग में कुछ विपरीत दिखा, माने हम लोग देखते हैं इस स्नेह में कुछ माताएं ऐसी होती है कि अपने पुत्र कन्याओं का वध भी कर देती है अपने हाथ से, ये बहुत दुखद घटना है कलयुग में घटित हो रहा है, किंतु माता का जो स्नेह है वो सारे शास्त्रों में वर्णित है और सभी जानते हैं माताओं का स्नेह कैसे पुत्र कन्याओं के प्रति होता है। तो गया जब बछड़े को देखती है उसका स्नेह उमड़ता है अपने हृदय में, और स्नेह उमड़ने के कारण उसके स्तन में दूध भर जाते हैं और दूध निकलने लगते हैं। तो इसलिए बछड़े को गया के पास लाया जाता है कि गया अधिक दूध दे बछड़े को देख कर, अर्थात बछड़ा गया को दूध देने के लिए प्रेरित करता है। उसी प्रकार जो संतान है, संतान जब माता के पास है तो संतान माता को प्रेरित करती है दूध देने के लिए, क्योंकि संतान माता का दूध पीना चाहती है।
तो इसलिए जो माता अत्यंत स्नेहशीला है पुत्र कन्याओं के प्रति, सदा सर्वदा उनके संबंध में चिंता करती है, उसके स्थान सदा सर्वदा सिक्त रहना स्वाभाविक है। और विशेष रूप से माता जसोदा जैसी माता ये संसार में विरल है। माता यशोदा का स्नेह, जब कभी किसी माता के स्नेह का उदाहरण दिया जाता है तो माता यशोदा का उदाहरण दिया जाता है कि माता यशोदा कितनी स्नेहशीला है कृष्ण के प्रति, क्योंकि पुत्र के रूप में वो भगवान को प्राप्त हुई है। यद्यपि माता यशोदा को ये पता नहीं है कि उनका पुत्र भगवान है, भगवान को अपना पुत्र मानती है, किंतु पुत्र स्नेह का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हम माता यशोदा के वात्सल्य रस में प्राप्त करते हैं। इसलिए वात्सल्य रस का जो मुख्य आश्रय है माता यशोदा है। यद्यपि हम देखते हैं कि ऐसे कई माताएं होती हैं जो अपने, विशेष रूप से हमारे भक्त माताएं हैं, तो अपने पुत्रों का नाम भगवान कृष्ण का नाम दे देती है और सोचती हैं कि हमारा पुत्र कृष्ण है, कान्हा है, ऐसा नाम देती है। किंतु कोई माता यशोदा नहीं बन सकता, या किसी का पुत्र भगवान कृष्ण नहीं बन सकता। हम केवल अनुसरण कर सकते हैं, माता यशोदा के भावों का अनुसरण कर सकते हैं। कोई माता यशोदा का स्थान नहीं ले सकता, या कोई कृष्ण का स्थान नहीं ले सकता। इसलिए यदि वात्सल्य प्रेम को हमें विकसित करना है तो हमें माता यशोदा का स्मरण करना चाहिए। उनके स्नेह का, उनके प्रेम का अनुसरण करना चाहिए। किंतु हमें कभी भी माता यशोदा बनने के लिए हमें कभी भी प्रयास नहीं करना चाहिए। कोई माता यशोदा का स्थान नहीं ले सकता। तो माता यशोदा इस प्रकार पुत्र स्नेह स्मृत कुचयुगम जात कंपन स शुभ्रु। तो माता यशोदा की जो भौहें थी बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर लग रही थी। और जब वो दधि मंथन कर रही थी तो उनका सारा शरीर हिल रहा था। ये स्वाभाविक है, दधि मंथन में परिश्रम कर रही थी तो सारा शरीर हिल रहा था दधि मंथन के कारण। रज्जाकर्षण समभुज चलत कंकण कुंडले च। तो सुखदेव गोस्वामी विशेष रूप से कुछ अंगों का वर्णन कर रहे हैं, जो सारा अंग कांप रहा था, हिल रहा था इस दधि मंथन के कारण। तो विशेष रूप से कुछ अंगों का वर्णन कर रहे हैं श्री सुखदेव गोस्वामी माता यशोदा के। तो कहते हैं रज्जाकर्षण, रज्जा आकर्ष श्रम भुज चलत। तो माता यशोदा जब रज्जु का आकर्षण करती है, रस्सी खींचती है, दधि मंथन दंड में जो रस्सी लगी हुई है उसको वो खींचती है दधि मंथन के समय, तो उस समय क्या होता है, भुज चलत, दोनों हाथ चलते हैं, दोनों हाथ में ऐसे दधि मंथन कर रही थी तो दोनों भुज, दोनों हाथ चल रहे थे। और उसके साथ साथ कंकण, जब हाथ चल रहे थे तो माता यशोदा जो हाथ में कंकण पहने हुए थी तो कंकण से आवाज़ निकलती थी, कंकण भी चलते थे हाथ में और उससे आवाज़ निकलती थी, शब्द निकलते थे।
और कुंडल है सर, और कानों में वो सोने के कुंडल पहने हुए थे माता यशोदा, हाथ में सोने के कंकण और कानों में सोने के कुंडल, और जब हाथ हिल रहे थे तो शरीर हिल रहा था और दोनों कुंडल भी हिल रहे थे माता यशोदा के, और हाथ के कंकण हिल रहे थे और शब्द कर रहे थे। छिन्नं वक्त्रम, और माता यशोदा के जो मुखमंडल, बहुत सुंदर मुखमंडल थे माता यशोदा के, किंतु परिश्रम के कारण, जब दधि मंथन में परिश्रम करना पड़ता है, जब खींच रही है लगातार रस्सी को, सारा शरीर हिल रहा है, तो इसमें परिश्रम हो रहा है, और परिश्रम होने से श्वेत बिंदु पसीना पसीना आ जाता है, तो माता यशोदा के मुखमंडल में सब पसीने के बिंदु, पसीने की बूंद वहाँ मुखमंडल में लगी हुई है। तो उसमें माता यशोदा का मुखमंडल और सुंदर लग रहा है पसीने की बूंदों के कारण, और उसके साथ साथ कवर विगलत मालती निर्ममंथ, जब माता यशोदा दधि मंथन कर रही है और शरीर हिल रहा है, माथा भी हिल रहा है, तो उनके केस में माता यशोदा मालती के पुष्प केस में लगाई हुई थी, तो जब ये मस्तक हिल रहा है तो उनके केस से ये मालती के पुष्प नीचे गिर रहे हैं माथा हिलने के कारण। तो इस प्रकार हम लोग माता यशोदा के दधि मंथन के उस दृश्य की कल्पना कर सकते हैं। सुखदेव गोस्वामी जो वर्णन दे रहे हैं उसके माध्यम से हम माता यशोदा के दधि मंथन दृश्य की कल्पना हम कर सकते हैं इस वर्णन के माध्यम से, कि माता यशोदा कैसे दधि मंथन कर रही है, बहुत सुंदर दृश्य। तांग स्तन्य काम आसाध्य मंथन तीन जननी हरि। तो जब माता यशोदा दधि मंथन कर रही थी तो उस समय भगवान कृष्ण क्या कर रहे थे, वो सो रहे थे अपनी शया पर, कमरे में सोए हुए थे। माता यशोदा कृष्ण के पास सोई हुई थी, वो उठ करके आ गई है दधि मंथन करने के लिए। उन्होंने देखा कि लाला सोया हुआ है, तो ये अच्छा समय है जाकर दधि मंथन करने के लिए, क्योंकि उठने पर वो फिर दधि मंथन करने नहीं देगा। तो इसलिए माता यशोदा चुपके से उठ करके चली आई दधि मंथन करने के लिए, और कृष्ण सोए हुए हैं शया पर लेटे हुए, और जब उनकी नींद टूट गई कृष्ण की, तो नींद टूटने पर बच्चे क्या करते हैं, माँ को खोजते हैं, माता को खोजते हैं, किस लिए, दूध पीने के लिए, क्योंकि उनको भूख लगती है नींद टूट जाने पर। तो भगवान कृष्ण बाल लीला कर रहे हैं, जबकि सारे संसार के स्वामी हैं, उनको भूख नहीं सता सकती, किंतु लीला कर रहे हैं बाल लीला। तो जब उठे, उनकी नींद टूट गई, देखा माता पास में नहीं है, वो किससे दूध पिएंगे, तो रोते हुए आए खोज करके, कहाँ माता है, और उनको खोज करने के लिए परिश्रम करना नहीं पड़ा। इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि माता दधि मंथन कर रही थी, और दधि मंथन करते समय उनके कंकण की ध्वनि आ रही थी, तो कृष्ण समझ गए कि माता वहीं पर है, इसलिए
अधिक खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो आंख मलते हुए और मिथ्या रोना रोते हुए माता बोलते हुए आकर पहुंच गए माता यशोदा के पास। और माता यशोदा दधि मंथन कर रही है, उसमें निमग्न है और कृष्ण की लीलाओं का गान कर रही है। और कृष्ण के प्रति उनकी दृष्टि नहीं गई है माता यशोदा की। तो भगवान कृष्ण ने देखा कि माता दधि मंथन में मग्न है और उनकी लीलाओं का गान करने में मग्न है, उनकी ओर दृष्टि नहीं है। तो भगवान कृष्ण सीधे गए, जाकर क्या किया, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, गृहीतं दधि मंथनं न सोधेत प्रीतिंगाव। तो भगवान कृष्ण वहाँ पहुँच कर जहाँ माता अधिमंथन कर रही थी, और वहाँ किस लिए पहुँचे, स्तन्य काम, स्तन्य पान करने के लिए, दूध पीने के लिए गए हैं इस उद्देश्य से माता के पास। किंतु माता अधिमंथन कर रही है, वो दूध कैसे पिलाएगी दधि मंथन जब कर रही है। तो भगवान कृष्ण दूध पीना चाहते हैं, स्तनपान करना चाहते हैं, इसलिए आए हैं माता के पास। किंतु माता उनकी ओर नहीं देख रही है, दधि मंथन में मग्न है। तो भगवान कृष्ण ने क्या क्या किया, गृहीत दधि मंथन, वो सीधे गए। तो दूसरा कोई बालक होता तो क्या करता है, वो सीधे माता के गोद में चला जाता दूध पीने के लिए। ये स्वाभाविक है, माता को देखा तो दूध पीना चाहता है, माता की गोद में चला जाता, चाहे माता दधि मंथन करती हो या कुछ भी करती हो, बच्चा सीधा माता की गोद में जाएगा, ये स्वाभाविक है। किंतु कृष्ण ने ऐसा नहीं किया। भगवान कृष्ण गए माता की गोद में जाने के स्थान पर, उन्होंने क्या किया, वो सीधे गए, माता दधि मंथन कर रही है तो कृष्ण जाकर दधि मंथन दंड को मथाने को पकड़ लिया अपने हाथ में सीधा जाकर। इसका अर्थ क्या है, जब कृष्ण ने मथानी को पकड़ लिया, दधि मंथन दंड को स्वयं पकड़ लिया, माता यशोदा वो दधि मंथन नहीं कर सकती। जब तक वो दधि मंथन करती रहेगी कृष्ण की ओर ध्यान नहीं देगी, इसलिए पहले जाकर कृष्ण ने दधि मंथन दंड को पकड़ लिया। तो जब पकड़ लिया, इसका अर्थ है कि अब माता दधि मंथन नहीं कर सकते, अब उनका ध्यान किसकी ओर जाएगा, कृष्ण की ओर जाएगा, वो बाध्य होगी कृष्ण की ओर देखने के लिए। तो भगवान कृष्ण ये नहीं चाहते हैं कि माता और कोई दूसरा काम करें और उनकी ओर ध्यान ना दे। भगवान कृष्ण किससे किसकी भक्ति को ग्रहण करते हैं, तो वो चाहते हैं कि व्यक्ति उनके प्रति पूरा का पूरा, पूरी की पूरी भक्ति करे, शत प्रतिशत भक्ति करे। इसलिए तो भगवान कह रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मांग एकं शरणं व्रज, सारे धर्मों का परित्याग करते हुए केवल मेरी शरण में आओ। ये नहीं है कि इस देवी देवताओं के पास जाओ, उधर जाओ, इधर जाओ, ये देवी हमारी प्रार्थना नहीं सुनी तो दूसरा सुनेगा, वो नहीं सुना तो दूसरा सुनेगा। हम एक के बाद एक दूसरे के कई देवी देवताओं के पास जाते रहते, इसका अर्थ है हम किसी का भक्त नहीं है। तो यदि हम किसका भक्त बनना चाहते हैं, शत प्रतिशत हमें समर्पित होना पड़ेगा उसके चरणों में।
तब हम माने जाएंगे हम इसके भक्त। कभी कभी लोग जाते हैं दूसरी देवी देवताओं के पास, जब बातचीत चलते हम भी कृष्ण के भक्त हैं बोल देते हैं, किंतु कृष्ण के भक्त नहीं है, किसी का भक्त नहीं। इसलिए भगवान कृष्ण चाहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मां एकं शरणं व्रज, सारे धर्मों का परित्याग करके केवल मेरी शरण में आओ और किसी के पास मत जाओ, ये कह रहे हैं। तो भगवान कृष्ण व्यक्ति का 100% प्रेम चाहते हैं। ये नहीं है कि उनको प्रेम का कोई अभाव है या प्रेम के भूखे हैं, किंतु भगवान से कोई प्रेम करना चाहता है तो भगवान चाहते हैं 100% दो उनको, ये नहीं कि आधा इधर आधा उधर, ये नहीं हो सकता। तो इस लीला में हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण ये नहीं चाहते हैं कि माता उधर दधी मंथन भी करती रहें और इधर कृष्ण की ओर भी देखें या उनको बोल दें हाँ तो चलो हमारी गोद में बैठ जाओ, ऐसा कृष्ण नहीं चाहता। चाहते हैं माता का पूरा ध्यान उनके प्रति हो, इसलिए जाकर दधी मंथन दंड को पकड़ा है कि माता दधी मंथन अब नहीं कर सकती, अब उनका पूरा ध्यान उनके प्रति आएगा, उनकी ओर आएगा। तो माता यशोदा ने जब देखा कि कृष्ण ने आकर दधी मंथन दंड को पकड़ लिया है, अब वो दधी मंथन नहीं कर सकती, तो वो कृष्ण की ओर देखने लगी। और देख करके उन्होंने क्या किया, गृहीता दधी मंथन न्यसदेत प्रीतिं आवाहन। तो भगवान कृष्ण ने तो माता यशोदा की प्रीति प्रेम को बढ़ाने के लिए दधी मंथन दंड को पकड़ लिया है कि माता यशोदा पूरा प्रेम उनको दे, उनके प्रति प्रदर्शित करें पूरा प्रेम। अब जब माता रुक गई, दधी मंथन करने में असमर्थ रही और कृष्ण की ओर देखने लगे, तो कृष्ण माता की गोद में चले गए। माता यशोदा ने कृष्ण को अपनी गोद में ले लिया, दधी मंथन का कार्य बंद हो गया। अब कृष्ण माता की गोद में है और स्तनपान कर रहे हैं। तं अंकं आरुढ्य अपाययत स्तनम। तब भगवान कृष्ण माता की गोद में चले गए तो माता यशोदा समझ गई कि कृष्ण किस लिए आए हैं। तो उन्होंने उनको स्तनपान कराया। स्नेहाश्रुतं सस्मिता इच्छति मुखम। और जब स्तनपान करा रही थी माता यशोदा भगवान कृष्ण को, तो उस समय कृष्ण तो स्तनपान कर रहे थे, माता यशोदा क्या कर रही थी, प्रेम पूर्वक अपने पुत्र के मुख की ओर देख रही थी। और देख करके सस्मितम, स्मित हास्य भी कर रही थी। क्यों स्मित हास्य कर रही थी माता यशोदा, पुत्र के मुख को देखकर वो आनंद का अनुभव कर सकती है, किंतु स्मित हास्य करना इसका कोई कारण हो सकता है। तो माता यशोदा इसलिए स्मित हास्य कर रही थी कि ये देखकर कि हमारे लाला, हमारा पुत्र कृष्ण, ये कितना बुद्धिमान हो गया है, चालाक हो गया है। तो बच्चों को तो लोग बच्चे ही समझते हैं, और बच्चों में कोई बुद्धि आ जाती है, कोई चालाकी आ जाती है, तो माता पिता बहुत प्रसन्न होते हैं देखकर।
बच्चे की बुद्धि को देखकर बहुत प्रसन्न होता है, ये स्वाभाविक है। तो माता यशोदा भी बहुत प्रसन्न हुई कृष्ण की बुद्धि को देखकर, उनकी चतुराई को देखकर, कि ये सीधे मेरी गोद में आने के स्थान पर जाकर रोक रहा है दधि बंधन दंड को, मतलब ये कितना चालाक है। हमारा पुत्र बहुत सियाना चालाक बन गया है। माता यशोदा ये सोच करके हंस रही, स्मिता हास्य कर रही।